हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे पेशेंट जिनको हमेशा सर्दी बनी रहती है, उनको हमेशा एलर्जी बनी रहती है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है और बार बार छींकें आती है, लेकिन उनको रीज़न समझ में नहीं आता है कि उनको किस वजह से सर्दी हो रही है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ, एक ड्रॉप बताने वाली हूँ। इस ड्रॉप को लेके आप अपनी एलर्जी को परमानेंट पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट कर। कई ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको एलर्जी रहती है। एलर्जी किस कारण से रहती है उनको खुद समझ में नहीं आता कि क्या कारण है एलर्जी होने का, और उनको हमेशा छींकें आती रहती हैं, हमेशा खांसी आती रहती है और बारह महीना हमेशा जुकाम बना रहता है, नाक से पानी आता रहता है। ऐसी उनको प्रॉब्लम है, बहुत मेडिसिन खा चुके हैं और आपके एलर्जी ठीक नहीं हो रही है। आपको बार बार छींक आ रही है, बार बार नाक से पानी निकल रहा है, म्यूकस निकल रहा है, वो ठीक ही नहीं होता है। आप मेडिसिन लेते हैं कुछ टाइम के लिए और ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे पेशेंट के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ड्रॉप बताने वाली हूँ। कई ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको नेजल पॉलिप्स रहता है, तो नेजल पॉलिप्स की भी कंडीशन में जो मैं आपको ड्रॉप बताने वाली हूँ, इस ड्रॉप को बिल्कुल आप ले सकते हैं। कई ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, तो साइनस के केस में भी जो मैं आपको ड्रॉप बताने वाली हूँ, इस ड्रॉप को बिल्कुल आप ले सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको एलर्जी रहती है, एलर्जी किसी भी कारण से रह सकती है। तो एलर्जी के जो पेशेंट रहते हैं, जैसे बाहर जाते हैं तो उनको अचानक से जुकाम होने लगता है, डस्ट से एलर्जी होती है या किसी अन्य चीज़ से एलर्जी है उनको, तो उनके लिए भी ये जो ड्रॉप है बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एलर्जी हो जाने के कारण, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ड्रॉप मैं आपको बताने वाली हूँ। कई ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाने के कारण उनको फीवर आता है, आँखों से पानी आने लगता है और हमेशा उनको इरिटेशन बना रहता है, हेडेक बनी रहती है, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी आज मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ड्रॉप बताने वाली हूँ। तो ड्रॉप कौन सा है वो हम देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि और किस कंडीशन में आप इस ड्रॉप को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इस ड्रॉप का नाम है एलर्जिक रिनेटिस, ये देखिए। इस कंपनी का नाम है मेडी लाइफ कंपनी, एक नई कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस कंपनी का बिल्कुल आप ले सकते हैं ये ड्रॉप, एलर्जी के लिए बहुत ही अच्छा ड्रॉप है ये। इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है। तो इसमें मिली हुई है एलिमसीपा मिली हुई है, यूप्टेशिया मिली हुई है, सेबाडिल्ला मिली हुई है, सॉलिडेगो मिली हुई है। ये सारी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से इस ड्रॉप को तैयार किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। ये ड्रॉप आपको मिल जाएगा होम्योपैथी फार्मेसी में, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, इसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। और ये जो ड्रॉप है लेना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस ड्रॉप को आपको लेना है जो एडल्ट पेशेंट हैं और ओल्ड पेशेंट हैं, तो उनको लेना है 20-20 ड्रॉप लेना है। दिन में 3 टाइम में पानी हल्का गुनगुना कर लीजिएगा, उसमें 20 ड्रॉप डालिएगा, अच्छे से मिक्स करके पी लीजिएगा। आप बच्चे हैं तो बच्चों के लिए 10-10 ड्रॉप लेना है 3 टाइम, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, और अच्छे से पानी में डालिएगा, पानी हल्का गुनगुना रखिएगा, डाल के मिक्स करके पी लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मौसम चेंज होता है, तो मौसम चेंज हो जाने के कारण कई लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आने लगती है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, थ्रॉट इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी ये जो ड्रॉप है बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। इससे बिल्कुल आप ले सकते हैं, आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा और आपको जो जुकाम बार बार हो जाता था किसी भी एलर्जी के कारण हो रहा हो, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।